तो माय चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड। फ्लूड की प्रॉपर्टीज के आधार पर न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट डेंसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल विच वेट 7 न्यूटन। क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक वेट निकालना है, डेंसिटी निकालना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, जिसमें पेट्रोल का दिया है 1 लीटर और इसका वेट जो दिया है 7 न्यूटन। तो गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर पेट्रोल का, तो इसका हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10^-q मीटर बेस टू क्यू हो जाएगा। 1 लीटर इक्वल टू 10^-q मीटर बेस टू क्यू होता है। वेट दिया है 7 न्यूटन। सबसे पहले इसमें निकालना है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका फार्मूला लगाएंगे स्पेसिफिक वेट के लिए। स्पेसिफिक वेट इक्वल टू फार्मूला W इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये फार्मूला होता है वेट ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वेट ऑफ लिक्विड कितना 7 न्यूटन, तो 7 अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना है 10^-q, मतलब 1/1000 लिखा है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 7000 न्यूटन पर मीटर बेस टू क्यू। स्पेसिफिक वेट हम इस टाइप से निकाल लेंगे, स्पेसिफिक वेट आ जाएगा 7000 न्यूटन पर मीटर बेस टू क्यू। इसके बाद डेंसिटी निकालना है। सेकंड डेंसिटी का फार्मूला होता है रो इक्वल टू वेट डेंसिटी जो कि स्पेसिफिक वेट अपॉन ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक वेट कितना है 7000, इसको यहाँ पुट कर देंगे, अपॉन ग्रेविटी होती है 9.81 यहाँ रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 713.56 किलोग्राम पर मीटर बेस टू क्यू। वी नो W इक्वल टू जो स्पेसिफिक वेट होता है कितना होता है रो इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब रो इंटू जी के बराबर होता है। तो इससे हमने 7000 निकाला और 9.81 का डिवाइड करते 713.56 किलोग्राम पर मीटर बेस टू क्यू। नेक्स्ट है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/ρ के बराबर, रो है डेंसिटी, तो 1/713.56 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1.4×10^-q मीटर बेस टू क्यू पर किलोग्राम, जो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल आएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, इसका फार्मूला लगाएंगे स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि स्पेसिफिक वेट जो होता है वो डेंसिटी के बराबर होती है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी आई थी 713.56 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.7136। इसकी ये यूनिट लेस होता है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं लिखी जाएगी। स्पेसिफिक वेट आ जाएगा 0.7136 के बराबर।